देहरादून में शराब के नशे में धुत एक युवक ने आईएसबीटी परिसर में जमकर उत्पाद मचाया। दुकानों में तोड़फोड़ की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवक कितना बेखौफ है। पुलिस की मौजूदगी में ही उसने दुकान में डंडा चलाकर काउंटर का शीशा फोड़ दिया और पुलिस के सिपाही उसे रोकने या उसके हाथ से डंडा छीनने के साहस या हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि बाद में तेज तर्रार दिखाई देने वाले दरोगा ने शराबी युवक की कॉलर पकड़कर उसे अपनी सही जगह पहुंचाया। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि आखिर इतनी दबंगई दिखाते हुए शराबी युवक तोड़फोड़ करता रहा और पुलिस के जाबाज सिपाही देखते रहे। ये अभी वहां मालूम चला कि एक हिमाचल प्रदेश का कोई एक कंडक्टर है और उसने घर पे उसके वो किसी दुकानदार से उसकी दोस्ती थी और दुकानदार से उसने कुछ सामान मांगा था, लेकिन बाद में दुकानदार चला गया तो वो शराब के नशे में आया और उसने आकर के फिर वहां पे जो दूसरी दुकान थी, बगल की दुकान थी, नशे में उसने उसके दुकान में तोड़फोड़ की। उसके भी जो जिस शराब पी के जिसने तोड़फोड़ की उसके भी हाथ में और सर में काफी चोटें आ रखी हैं। तो उसको फिर एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। वादी द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। अगर तहरीर दी जाती है तो मुकदमा।